तो आप राउटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे R1 R2 कनेक्टिविटी के लिए ये सीरियल ओके यहां से डिवाइसेस को ऑन करोगे। ठीक है जी, देन यहां पे क्लिक करोगे इंटरफेसेस आ जाएंगे। राइट क्लिक कंसोल, ये यस और नो, नो ओके, देन R2 पे राइट क्लिक कंसोल, ओके। हाउ टू सेट आईपी एड्रेस इंटरफेस S0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 शर्ट क्लॉक रेट ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर है, या तो 20 लाख कॉन्फ़िगर होगी या 40 लाख कॉन्फ़िगर होगी, यू कैन कॉन्फ़िगर मैन्युअली डिपेंड्स ऑन यू टोटली। देन इंटरफेस लूप बैक 0, मेरे यहाँ पे एंड मशीन से अवेलेबल नहीं है तो टेस्टिंग के लिए क्या रख लूँ, लूप बैक इंटरफेस आईपी एड्रेस 10.001 चेक कर सकते हो। ओके, अब कहां पे चले, R2 पर इंटरफेस S0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2 देन सबनेट मास्क नो शर्ट इंटरफेस लूप बैक इंटरफेस लूप बैक यू कैन यूज एनी रेंज एंटर आईपी एड्रेस 20.001 देन सबनेट मास नो शर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये आप रहते हैं SHI पेंट ब्रीफ 192.168.1.2 एंड 20 जी। नहीं, कोई भी इंटरफेस ले सकते हो, वो है ना 21 लाख समथिंग रेंज है। देखो सर, यू कैन यूज एनी इंटरफेस। चलो शो आईपी रूट, कोई राउटिंग टेबल में रूट अवेलेबल नहीं है, कौन सा 10 का, यदि पिंग करोगे 10 को तो 10 रीच नहीं करेगा क्योंकि कोई राउटिंग नहीं है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल ओके। तो हम चलते हैं R1 पे, कमांड टाइप करते हैं राउटर EIGRP 500 नेटवर्क ओके। मेंटेन होगी ओके। क्या राउटिंग टेबल में रूट अवेलेबल है, पिंग करोगे क्या हिट होगा, कितने पैकेट सेंड हुए, आप चाहते हो 5 से अबव हो,
500 टाइम्स किसको हिट किया है, R1 को, R1 के 10 को. तो डिपेंड्स ऑन यू पैकेट. ओके जस्ट टेस्टिंग पर्पस, क्या आपका 5 के बाद ड्रॉपेज आ रही हो, क्या आपका 100 के बाद ड्रॉपेज आ रही हो, क्या आपका 5000 के बाद ड्रॉपेज आ रही हो. तो यू ट्रबल शूटिंग कमांड. तो अब मैं चाहता हूं कि जो भी सेंडिंग रिसीविंग हो वो किस फॉर्मेट में हो, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट. तो इनक्रिप्शन के लिए क्या अनेबल करेंगे, MD5. हाउ टू कॉन्फ टी इंटरफेस की चेन एज यू विश, जो भी आपका दिल करे नेम टाइप कर दो. नेम है की चेन नेम सर. देन कीस आईडी, की आईडी कितनी है, 21 समथिंग. क्या यूज की मैंने, 1. अब क्या लोगे, की स्ट्रिंग. क्या की स्ट्रिंग, 1 2 3 4. हाँ जी पासवर्ड. ये तो किया डिजाइन, क्या करेंगे अब इसको इंप्लीमेंट. कहाँ पे होगा इंप्लीमेंट, इंटरफेस पे, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 500 MD5. क्या है मैसेज, नेबरशिप क्या हो गई, डाउन. क्यों, जो R1 से सेंडिंग रिसीविंग है वो किस फॉर्मेट में है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में. और R2 से प्लेन टेक्स्ट. तो क्या भाई, R2 से तो प्लेन टेक्स्ट है ना, तो नेबरशिप क्या हो गई, ब्रेक. ये तो किया मैंने क्या, MD5. अब की आईडी इंप्लीमेंट करोगे, आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP. क्या की चेन नेम, सिस्को सर, वो की आईडी थी. जिन लोगों को समझ में नहीं आया दोबारा सुन लो. सबसे पहले क्या किया, की चेन सिस्को, देन की आईडी, की स्ट्रिंग, इंटरफेस पे गया, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP MD5. और MD5 में क्या है, की चेन. अरे ऐसा ही किया है ना, ये R1 पे है. देखना शो आईपी रूट, क्या राउटिंग टेबल में कोई रूट अवेलेबल है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल शो आईपी EIGRP. तो नेबरशिप भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि R1 जो सेंडिंग रिसीविंग कर रहा है वो किस फॉर्मेट में कर रहा है, इनक्रिप्टेड. अब कहोगे कैसे, देखो डीबग है, डीबग EIGRP पैकेट. EIGRP मेंटेन 5 टाइप्स ऑफ पैकेट. हेलो हेलो अपडेट क्वेरी रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट 5 टाइप्स ऑफ पैकेट एंटर, दैट कमांड वी कैन चेक. क्या आ रहा मैसेज, बता रहे हैं इस डेट को इग्नोर पैकेट 1.2 ओप कोड ऑपरेशन कोड 5 मिसिंग ऑथेंटिकेशन. क्या चल रही है, मिसमैच. क्यों, क्योंकि R2 क्या लेके आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट. और R1 आ जाओ R2. ट्रबल शूटिंग कमांड, वी कैन चेक पैकेट्स राइट, विच पैकेट इन एंड विच पैकेट आउट एंड विच टाइप ऑफ ड्रॉपेज. ओके
क्या बोल रहा है आर टू, क्या आ रहा मैसेज? ऑथेंटिकेशन क्यों? क्योंकि आर टू जा रहा प्लेन टेक्स्ट और आर वन है एम डी फाइव करे बिल्कुल सर वही करेंगे आप। क्या राउटिंग टेबल में रूट अवेलेबल है? करना पिंग नहीं करना ना री बट क्या रीच कर रहा है? दैट्स अ सी, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। काफी लोगों के डाउट होगा 192 क्यों कर रहे हैं। अरे 192 के लिए राउटिंग थोड़ी की है, राउटिंग किसके लिए की है? लैन के लिए। ओके तो करो डीबग, डीबग ईआईजीआरपी। थैंक यू। क्या आ रहा मैसेज? ऑफ कर लो भाई इसको, ऑथेंटिकेशन को अनडीबग ऑन। क्या आ रहा है? ऑथेंटिकेशन ऑफ और की चेन मिसिंग। बताओ क्या है इशू? दो है, दो में से एक बताओ। अरे ऑथेंटिकेशन ऑफ है, आर टू पे मैंने क्या नहीं किया है ऑथेंटिकेशन करे तो। हाँ सर किचन के अंदर ही ऑथेंटिकेशन, तो किचन एज यू विश जो आपका दिल करे नेम। क्या टाइप कर दिया? आर टू, बट की आई डी मस्ट बी मैच। क्या आर वन पे? की स्ट्रिंग मस्ट बी मैच। क्या है? ओके ये क्या डिजाइन? अब इसको क्या करेंगे? ऑथेंटिकेशन मोड ईआईजीआरपी 500 एमडी। ओके ये क्या किया? ऑथेंटिकेशन मेथड। अब क्या इंप्लीमेंट करेंगे? कीचेन। क्या कीचेन नेम? आर टू पे सर, अरे आर टू ही है। देखते हैं क्या आता है मैसेज। इज अप न्यू एजेंसी है ना। क्या नेबरशिप डन है? क्या राउटिंग टेबल में रूट अवेलेबल है? क्या पिंग आ रहा है 10 से? अब जो सेंडिंग कर रहे हैं ना वो किस फॉर्मेट में कर रहे हैं? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में 128 बिट। और MD5 किस एल्गोरिथम को रन करता है? हैश एल्गोरिथम को। किसको रन करता है? हैश इनक्रिप्शन को। अरे हैश इज ओके सुनो भाई डीबग करो डीबग EGRP पैकेट। ऑफ कर देना, बताया था ना वाइड वी नीड बिकॉज ऑफ राउटर सिटुलाइजेशन प्रोसेस हाई, और हाई होने से ऑटोमेटिक राउटर क्या हो जाएगा? डाउन। तो जैसे आपने डीबगिंग का व्यू किया उसको क्या कर दीजिए साथ साथ? ऑफ। क्या आ रहा है भाई? EIGRP received packet with MD5 authentication or key ID? Getting or not? बिल्कुल जी बिल्कुल। यदि सपोज करो आपके पास R1, R2 और एक और डिवाइस है R3, राइट? R3 से कम्युनिकेशन नहीं होगा। होगा क्यों? होगा क्योंकि दोस्तों इंटरफेस पे काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? इंटरफेस पे। लो बहुत मांडे, तो आप लोगों को टास्क दिया इसको इंप्लीमेंट कर लेना। एक बार क्या करना है आप लोगों ने? की चेन डिफरेंट, और एक बार करना है की स्ट्रिंग। और की चेन डिफरेंट करोगे तो डीबग करन, की चेन डिफरेंट की स्ट्रिंग सेम। फिर क्या करना? की आईडी डिफरेंट एंड की स्ट्रिंग
की आईडी सेम एंड की स्ट्रिंग डिफरेंट. एक बार की आईडी सेम और की स्ट्रिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट कैसे, दो लैब होगी. ओके, और ये भी करके देखना आप लोग कि ये डिजाइन रनिंग है. आर वन आर टू एक न्यू राउटर कनेक्ट करना, राइट? अरे समझ रहे हो, आर थ्री, आर थ्री को कनेक्ट करने वाला. क्या आर टू आर थ्री की मेंबरशिप मेंटेन होती है? नहीं होगी. क्लियर? ओके, आर वन पे कमांड रन करते हैं, डेट कमांड शो आई पी ई आई जी आर पे इंटरफेस डिटेल. तो डेट कमांड वी कैन चेक हेलो टाइमर कितना होता है ई आई जी आर पी का, 5 सेकेंड. और क्या होता रहा है, ऑथेंटिकेशन मोड इज MD5 की चैन. ओके, दे रहा हूँ. सर रियल डिवाइस की तरह बूट होता है. आर वन बट कॉन्फिगर होने के बाद फास्ट हो गया है, ऑन ऑन. बातचीत नहीं आ गया हम लोग. ओके दोस्तों, आर वन आर टू आर थ्री कॉन्फिगर, आर वन आर टू सॉरी. तो शो आई पी रूट, रूट अवेलेबल है, पिंग कीजिए, रीचेबल है. हमने ये चीज़ नहीं देखनी, हमने देखनी है स्टैटिक नेबरशिप. क्या चीज़ है नेबरशिप? डीबग आई पी पैकेट कमांड रन की है. क्या रहा है, एक मल्टीकास्ट एड्रेस शो कर रहे हैं. यार पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यूनिकास्टिंग ना. बट ई आई जी आर पी क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीकास्टिंग. जो आपका पैकेट सेंड हो रहा है, एक एक्स्ट्रा लगेज आ रहा है. क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा लगेज 2 to 4 0 10 का. यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यूनिकास्टिंग ना. बट ई आई जी आर पी का बिहेवियर क्या करता है, मैं नहीं चाहता कि वो क्या क्या यूज करे, मल्टीकास्ट. मैं चाहता हूँ वो करे यूनिकास्टिंग. हाउ टू कंपेयर यूनिकास्ट, आर वन पे आओगे, वेरी वेरी सिंपल कमांड
debug all conf t. अरे दिखा रहे हैं ना 192 router AIGRP 500 neighbor R2 का IP क्या है और exit interface self अपना क्या है क्या है मैसेज क्यों जब R1 R2 को पैकेट सेंड कर रहा है तो क्या कर रहा है यूनिकास्ट और R2 R1 को सेंड कर रहा है तो क्या कर रहा है मल्टीकास्ट हो गई ना ब्रेक आ जाओ R2 पे बोलो एग्जिट इंटरफेस कैन यूर शिप अप है अरे R2 पे बैठा हूं तो R1 की आएगी ना ठीक है न्यूरशिप आप अब नहीं आएगा मल्टीकास्ट एड्रेस क्या कर रहा है भाई आ रहा है कहीं पे मल्टीकास्ट एड्रेस आ रहा है लैन पर वैन पे नहीं आ रहा अनडीबग ऑल कर दो देखना वैन पर क्या शो कर रहा है सोर्स क्या बता रहा है और डेस्टिनेशन पर्टिकुलर आईपी यूज कर रहा है ना यहाँ पे क्या हो रही है यूनिकास्टिंग 1.1 1.2 1.2 1.1 अरे आज आपका क्वेश्चन था ना कि यूनिकास्टिंग होगी क्या एड्रेस आएगा आ रहा है ना पर्टिकुलर शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस डिटेल सर ये था आउटर रन यूज यूनिकास्ट ये क्या कर रहा है यूनिकास्ट और देखो यहां पे क्या आ रहा है देख लो सर दोनों में तो फर्क पूछो तो मल्टीकास्टिंग 1 टू मेनी यूज ए पर्टिकुलर एड्रेस एंड यूनिकास्ट 1 टू 1 सोर्स सेल्फ एंड डेस्टिनेशन पर्टिकुलर आईपी एंड मल्टीकास्ट यूज डी क्लास डिपेंड्स ऑन योर राउटिंग प्रोटोकॉल राइट एग्जांपल ईआईजीआरपी 224.0.10 रिप्रेजेंट टू 224.0.9 ओके रिप यू कैन से राउटिंग टेबल यू कैन से फॉरवर्डिंग टेबल यू कैन से रिप रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस या यू कैन से लुकअप टेबल रिप से आ रहा है ना डेटाबेस सुनो भाई अब आप चाहते हो कि EIGRP एक हेलो सेंड करता है किस टाइम पे सेंड करता है हेलो 5 अब R1 एक हेलो सेंड कर रहा है एवरी 5 सेकंड में मैं नहीं चाहता R1 कहां पे हेलो सेंड करे R2 पे वेल एंड गुड क्योंकि R1 की राउटिंग टेबल किसको अपडेट होती है R2 को मैं नहीं चाहता कि वो नेटवर्क लैन में भी क्या सेंड करे हेलो अब R1 एक हेलो सेंड कर रहा है एवरी 5 सेकंड में वो हेलो कहां पे नोन है R2 पे वे बनता है क्यों क्योंकि राउटिंग टेबल किसको अपडेट होती है R2 को बट R1 जो भी नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किया है कौन-कौन से R1 पे नेटवर्क एडवर्टाइज किया है 192 और 10 वो एवरी 5 सेकंड में जो-जो नेटवर्क एडवर्टाइज किया उसको क्या सेंड कर रहा है हेलो तो जो लैन में हेलो जा रहा है दैट्स आर वेस्टेज ना वेस्टेज है क्योंकि बैंडविड्थ क्या हो रही है वेस्ट तो लैन की अब काफी लोग क्या बोलते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन है तो R1 से 10 का नेटवर्क रिमूव कर दो अरे नेटवर्क रिमूव कर दिया तो R2 पे अपडेट थोड़ी जाएगी तो उसके या R1 के इंटरफेस को शट कर दो अरे इंटरफेस शट हो जाएगा क्या नेटवर्क आउट होगा वो क्या उसको पिंग कर पाया तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या आया पैसिव इंटरफेस क्या आया पैसिव इंटरफेस R1 पे जाइए दो नेटवर्क एडवर्टाइज है
क्या कर रहे हैं? ये देखो सोर्स 10 और डेसिजन 10. मैं चाहता हूँ ये क्या कौन सी लॉजिक है, पैसिव इंटरफेस राउटर EIGRP 500 पैसिव इंटरफेस. किसको बनाना चाहते हो पैसिव इंटरफेस? लूप बैक. चाहे फास्ट इथरनेट हो तो फास्ट इथरनेट, लूप बैक हो तो लूप बैक, इथर हो तो इथरनेट. क्वेश्चन मार्क आगे ना सारे इंटरफेस किसको बना दिया? लूप बैक. क्या इंटरफेस नंबर? एंटर शो आईपी प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल शो कर रहे हैं लूप बैक जीरो करके देखे डिबगिंग. क्या यूज कर रहा है 224.0.10? आया समझ में? अब काफी लोग कह रहे होंगे क्या R2 से बैठ के मैं पिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल रीचेबल. अब कहोगे जब हेलो ब्रेक कर दिया पिंग कैसे आ रहा है? क्योंकि दोस्तों मैंने क्या किया है, मैं जो R1 हेलो सेंड कर रहा था कहाँ पे? 10 के नेटवर्क पे, उसको रिमूव किया है. जो R1 कहां पर सेंड कर रहा है लो R2 पर, वो वर्किंग है. क्या चल रहा है माइंड में कि जब R1 से 10 के नेटवर्क ही है सर. इस टाइप से कनेक्टेड है राइट. अब R1 जो हेलो सेंड कर रहा है वो यहां पे क्या कर दी? ब्रेक वाया पैसिव इंटरफेस राइट. बट R1 अब प्रॉपर जो राउटिंग टेबल है किसको अपडेट कर रहा है? R2 को, क्योंकि यहाँ पे स्मूथली क्या चल रहा है? हेलो 182 पे हेलो चलेगा, 10 पे नहीं चलेगा. 10 पे नहीं चलेगा वाया पैसिव इंटरफेस, वी कैन डिस्कार्ड ना भाई. सपोज करो मैं R1 पे जाता हूँ, रन टेबल और कौन टी, मैं जितने भी R1 पे इंटरफेस है राउटर EIGRP 500 पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट. यही था ना क्वेश्चन सर? देखना क्या हुआ. क्या है मैसेज? शो आईपी रूट. क्या राउटिंग टेबल में रूट अवेलेबल है? नहीं है ना. क्या हो गया नेबर? ब्रेक है ना, क्योंकि बिल्कुल पैसिव इंटरफेस सारे के सारे क्या बना दिए? पैसिव. और अब क्या कर रहा है? जब R1 हेलो सेंड कर रहा है तो हेलो क्या हो रही है? डिस्कार्ड. क्लियर? अब चाहते हो वैन क्या हो जाए? रिमूव. तो R2 पे जाके क्या करो? राउटर EIGRP 500 नो पैसिव इंटरफेस S0/0. देखना नेबरशिप आप आ जाएगी आप है ना. और शो आईपी प्रोटोकॉल से चेक भी कर लो. अरे S0/0 रिमूव है ना. शो आईपी रूट, क्या राउटिंग टेबल में रूट अवेलेबल है? ओके अच्छा जी क्लियर. एक कमांड है डीबग आईपी पैकेट, ये तो रन करते हो. यदि आपने रन कर दी डीबग आईपी पैकेट डिटेल, क्या होगा डिफरेंस बताना भाई. अरे साथ साथ क्या बता रहे प्रोटोकॉल 88 है ना. EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 88. क्लासफुल एंड क्लासलेस. मैं एक नेटवर्क लेके आ रहा हूं कहां पर? R2 पर. एग्जाम्पल 200.168.1.1/ जो भी आपका दिल करे. मैंने क्या यूज किया? 28. क्या होगा इसका सबनेट मास्क? एक्सीलेंट 240 राइट. तो R1 पे जाता हूँ और IP टाइप करता हूँ इंटरफेस
लूप बैक कोई भी नंबर कितना ले लिया 123, अरे एल एल स्टैंड्स फॉर लूप बैक 123, चेक कर लो भाई, कभी काफी लोग कह रहे हो आ गया ना अनअसाइंड आईपी दिया नहीं है और लूप बैक, क्या लूप बैक नंबर 123, इंटरफेस लूप बैक 123, आईपी एड्रेस 200.168.1.1, बताओ 24, और इसको किस में एडवर्टाइज कर दो, अब ये जीआरपी 500 नेटवर्क 200.168.1.0 R2 पे आना, क्या राउटिंग टेबल रूट अवेलेबल है, बट क्या रहे, मैंने कितना एडवर्टाइज किया R1 पे 28, बट क्या बता रहा है, मीनिंग क्लास फुल, R1 जो बाय डिफॉल्ट जो EIGRP है बाय डिफॉल्ट बिहेव करता है वो किसका करता है, क्लास फुल का, वी कैन चेंज बिहेवियर, पिंग होगा वे रीचेबल, मैं चाहता हूँ किसका बिहेवियर करे, क्लास लेस का, देख लो पहले शो आईपी प्रोटोकॉल क्या रहे ऑटोमेटिक, हेलो सर आप कल पूछ रहे थे ना नोट समरी और टाइम आया होगा, तुम देखो ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट, मीनिंग ऑटोमेटिक 8/16/24 यदि आप रन करोगे /30 शो करेगा /24, आप रन करते हो /20 शो करेगा /16, आप शो करते हो /10 तो शो करेगा /8 8/16/24 हाँ हाँ सर वही दिखा रहा हूँ, क्या बाय डिफॉल्ट ऑन है ना, तो वी कैन ऑफ राउटर EIGRP 500 नो ऑटो, क्या रहे आना भाई R2 पर, क्लियर करो भाई पिंग, ट्रबल शूटिंग कमांड से R1 पे सेक्शन कमांड बोलते हैं, यू कैन से फिल्टरिंग कमांड, यू कैन से सेक्शन कमांड, वी कैन चेक पर्टिकुलर कीवर्ड, शो रन, रन के बाद क्या टाइप कीजिए पाइप, ये पाइप सिंबल है राइट, ये बैक स्पेस के नीचे और एंटर के ऊपर होता है राइट इन बिटवीन, शो रन सेक्शन, और सेक्शन के बाद टाइप कर दो EIGR, ये पर्टिकुलर क्या कीवर्ड आउट होगा, अरे क्या कीवर्ड आउट हुआ, सिर्फ EIGRP, तो बेटर है ना, यदि हम क्या टाइप कर रहे थे शो रन, तो राउटर पे जितना भी रन है क्या तर राउटिंग सिक्योरिटी वॉइस डेटा सेंटर कोलैब कुछ भी चल रहा हो ऑल इंफॉर्मेशन है, तो बेटर क्या है ना, इससे राउटर का सिंपलाइजेशन प्रोसेस भी क्या नहीं होगा हाई ओके आप लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरफेस चेक करना हो तो क्या कमांड रन कर दो शो रन इंटरफेस S0 आ जाएगा, कितनी बाइट्स यूज कर रहा है 100 बाइट्स राइट, और नेक्स्ट आपने लूप बैक यूज करना हो 123 तो यार ठीक है भाई।